चैनल मैं हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू टिक्की और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। इस आलू टिक्की को आप किसी सैंडविच के साथ खा सकते हैं, बर्गर के साथ खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज के आलू और इन आलू को मैंने बॉईल करके लिया है और ऊपर का कवर मैंने निकाल लिया है। हरा धनिया, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च और इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा ऑयल लगेगा। सबसे पहले इन आलू को हम मैश कर लेंगे। आलू को मैंने मैश कर लिया है, अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया मिला के हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे। तो हाथ को हम ऑयल लगा के लेंगे। हाथ को हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम इस डो में से थोड़ा पोर्शन लेंगे। इसे हम इस तरीके से राउंड करेंगे और बीच में से प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम सारी टिकिया बना के लेंगे। सारी टिकिया मैंने बना ली है और ये रेडी हो गई है फ्राई होने के लिए। ये आलू टिक्की हम शालू फ्राई करेंगे। तो गैस के ऊपर मैंने तवा रख दिया है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और तवे के ऊपर हम ऑयल को स्प्रेड करेंगे। तवे के ऊपर हम एक एक करके आलू टिक्की को रखेंगे। टिक्की को हम एक साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। टिक्की को एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब हम इसे टर्न करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे। दोनों साइड से हमारी आलू टिक्की बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं कलर। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हमारी आलू टिक्की दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें एक डिश में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां बना के रेडी कर लेंगे। फाइनल फ्रेंड्स, हमारे डिलीशियस आलू टिक्कियां बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे किसी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।